कोलैप्सेस एंड ओनली कोलैप्सेस। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हम हरा सकते हैं, एक जना ड्रेसिंग रूम पहुंचे उससे पहले दूसरा उसके पीछे पीछे। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, न्यूजीलैंड आउट प्लेड अस, 3 मैचेस थे, 6 इनिंग्स थी, तो इंडिया कॉन्फिडेंट नहीं होगी उस पिच के ऊपर। वैसे तो वीडियो काफी हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि जस्ट अभी इंडिया हारा है न्यूजीलैंड से 3-0 अपने घर पे मुंबई में। 147 चेज करने थे इंडिया को, जो नहीं कर पाई इंडिया, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। बहुत सारी बातें हैं करने को, 3 मैचेस थे, 6 इनिंग्स थी, किसी भी एक इनिंग के अंदर ऐसा नहीं लगा कि इंडिया एक अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है, किसी भी एक इनिंग में नहीं। मेरे को कोई भी एक ऐसी इनिंग याद नहीं आती एक्सेप्ट पंत और सरफराज की जो पार्टनरशिप थी। उसके अलावा ऐसा एक भी बैटिंग से नहीं लगा कि इंडिया जो है वो डिजर्व करता है कोई भी टेस्ट मैच जीतना। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था कल रात को ही, जिसमें आई टोल्ड कि इंडिया कॉन्फिडेंट नहीं होगी क्योंकि पिच जो है वो बहुत ज्यादा टर्न और बाउंस है उसके अंदर, एंड पिच इज बिहेविंग वेरी डिफरेंट, वेरी वियर्डली, तो इंडिया कॉन्फिडेंट नहीं होगी उस पिच के ऊपर। बट फिर भी एक होप होती है, आप स्पोर्ट खेल रहे हो तो एक होप के साथ ही आप जाओगे, अदरवाइज जीतने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। 147 एक टफ टास्क था कंसिडरिंग जो दो टेस्ट हमने खेले हैं जिस तरीके से, जिस फैशन के अंदर, कोलैप्सेस एंड ओनली कोलैप्सेस। तो वही हुआ फिर से, ऋषभ पंत वॉज दी ओनली पर्सन जो 64 रन बनाए उन्होंने, एंड ही प्लेड लाइक अ रियल चैंपियन। उसके लिए ये पिच कुछ भी नहीं था, द वे ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज डिस्ट्रॉइंग एवरीबडी, द माइंड सेट ही हैज, ही इज अ रियल ट्रेजरर ऑफ इंडिया इन टेस्ट स्पेशली। अपार्ट फ्रॉम ऋषभ पंत नोबडी डिलीवर्ड। रोहित शर्मा फिर से जल्दी आउट हो गए, फिर से वो मारने के लिए आगे बढ़ के एक चौका मारा था उन्होंने मैट हेनरी को, मगर फिर वापस से उस पुल शॉट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पाया, बिल्कुल बैट के टॉप पे लगी और उनका विकेट सबसे पहले एज यूजुअली एक वॉकिंग विकेट हो गए विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। कोहली भी आउट, गिल भी आउट, और एक के बाद एक सब ऐसा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब सिर्फ अपने से पहले वाले बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं। एक जना ड्रेसिंग रूम पहुंचे उससे पहले दूसरा उसके पीछे पीछे तैयार। 147 भी चेज नहीं हो पाया बिकॉज पिच को इतना ज्यादा दिमाग पे हावी कर लिया गया कि यार खेले कैसे। ऋषभ पंत ने बताया कैसे खेला जा सकता था इस पिच के ऊपर, और ही इज द रियल कैरेक्टर। ऑस्ट्रेलिया में जो गाबा के अंदर किया ऋषभ ने, उसके बाद से तब तो फिनिश किया मैच, आज अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाया, वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल था कि इस तरीके से आउट हुए। पहली इनिंग्स में भी जो था वो अगर एम्पायर डिसीजन के फेवर में होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, मगर आज सेकेंड इनिंग के अंदर भी कॉन्ट्रोवर्शियल था, बैट भी पैड को लगा तो शायद उसकी वजह से भी वो डिफ्लेक्शन था जो अल्ट्रैच के अंदर, तो अगर वो नहीं होते आउट तो फिनिश कर जाते आज। फिर किसी से उम्मीद ऑनेस्टली थी नहीं, अश्विन अपने इमोशंस को ज्यादा काबू नहीं कर पाए, रिवर्स के लिए गए और कैच आउट हो गए। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस इंडिया की, डिसहार्टनिंग मोमेंट्स सारे इंडियन फैंस के लिए। मगर अब जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हम हरा सकते हैं, अभी की कंडीशन तो ये है कि नहीं हरा सकते। अगर आप मुझसे अगर मेरा ओपिनियन पूछे अभी ऑनेस्टली, इस परफॉर्मेंस के साथ में तो हम वहाँ पे भी वाइट वॉश हो सकते हैं, इफ नॉट तो एक आधा मैच हम कहीं जीत सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है 4-1 इंडिया इज लूजिंग BGT, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो बात है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात भी ना करें तो ठीक है। आई नो आई एम बीइंग हार्श, बट इंडियन फैन होने के बाद भी मैं प्रैक्टिकल होना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि 2023 का जो फाइनल था वो उससे इतना अटैच होने के बाद में एक चीज़ तो सीख ली है मैंने कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रिजल्ट से अटैच होगे, नेगेटिव रिजल्ट अगर आपके सामने आया तो यू वुड नॉट बी एबल टू हैंडल दी इफेक्ट्स ऑफ दैट। मैं ज़्यादा होपफुल अब नहीं हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, अब इमोशंस के बेसिस पे नहीं। एंड आई एम अ कोहली फैन, आई एम अ रोहित फैन, बट आई एम अ फैन ऑफ दिस इंडियन टीम एंड आई विल बी। अभी क्योंकि इमोशंस हाई हैं तो मे बी वो रिफ्लेक्ट ना हो। हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड, न्यूजीलैंड आउट प्लेड अस, न्यूजीलैंड की तारीफ करना बनता है क्योंकि पॉजिटिव क्रिकेट खेले, प्रोफेशनल क्रिकेट खेले, उन्होंने अपने प्लान्स जो लेके आए थे वो एग्जीक्यूट किए, सिंपल प्लान्स। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये चीज़ बोला कि न्यूजीलैंड ने जो अपने प्लान्स थे वो सिंपल रखे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखे। क्वेश्चन तो ये है कि आपको क्या हो गया था, आप क्यों सबसे पहले टेस्ट के अंदर आपने बॉलिंग नहीं ली, बैटिंग ली ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर। एडमिट किया उन्होंने कि वो डिसीजन सही नहीं था उनका, टॉस जो हारे
टॉस जो वो जीते। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज के स्टार्ट के अंदर रोहित शर्मा और जो टीम थी वो ये सोच रहे थे कि हम चैलेंज करते हैं अपने आप को BGT के लिए और WTC के लिए, थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, इसलिए वो टॉस का जो डिसीजन है वो समझ आ रहा है कि वो दे वॉन्टेड टू टेस्ट देमसेल्व्स, बट वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया आगे क्योंकि न्यूजीलैंड प्लेड सो मच बेटर। उन्होंने न्यूजीलैंड को शायद कंसिडर ही नहीं किया कि वो इतना अच्छा खेल जाएंगे। न्यूजीलैंड ने अपना जो क्रिकेट है वो इतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे खेला अगेंस्ट इंडिया, वो बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं रहे, बिल्कुल भी कैजुअल अप्रोच नहीं थी उनकी किसी भी पॉइंट के अंदर, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट्स हो टॉम लेथम की, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो अपनी बैटिंग में, जैसा पिच वैसी अडेप्टेबिलिटी हर ग्राउंड के अंदर। सो दे प्लेड सेशन बाय सेशन, बॉल बाय बॉल ब्रिलियंटली, तो उनकी तारीफ बनती है। और रोहित शर्मा एंड कंपनी ओवर कॉन्फिडेंट थे, दिस इज समथिंग जो अब क्लियरली रिजल्ट से दिख रहा है एंड द वे दे कैरीड देमसेल्व्स। नॉट सो मच पॉजिटिव वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत कुछ पॉजिटिव्स रहे हैं इस सीरीज के अंदर, बट BGT के लिए आई एम नॉट एट ऑल होपफुल। इंडिया अगर कुछ कर दे मिराकल वहाँ पे, मिराकल ही कहा जाएगा। और रोहित कोहली के रन तो इस सीरीज में तो आए नहीं, अगली सीरीज में भी अब रन आ भी जाए तो अगर विनिंग कॉज में आए तो ही हम सब खुश हो सकते हैं, अदरवाइज अगर रन आए और इंडिया जीते ना तो इट वुड हार्डली मेक एनी डिफरेंस। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, देर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट इट, मगर आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग दिस बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, जुकाम भी है बुखार भी है, तो उस वजह से आज मन भी नहीं था कुछ रिकॉर्ड करने का, मगर आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू टॉक अबाउट इट एंड एनालाइजिंग व्हाट वेंट रॉन्ग। सब हम जानते हैं कहाँ गलत थे कहाँ सही थे, वी ऑल आर स्मार्ट इनफ बिकॉज वी ऑल प्ले दिस स्पोर्ट मोस्ट ऑफ अस एंड वी नो हाउ थिंग्स गो अराउंड। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आप लोग होप करें कि हम एटलीस्ट नेक्स्ट ओवर के अंदर हम इतना बुरा परफॉर्म ना करें एटलीस्ट, एंड दे आर ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड से फार फार बेटर साइड इन द माइंडसेट। इंडिया जो है वो सोचेगी और रेक्टिफाई करेगी अपनी मिस्टेक्स को, अपनी परफॉर्मेंसेस को सीरियस लेगी थोड़ा ज़्यादा, और अंडर प्ले करके वो कॉन्फिडेंट ना होके चीज़ों को ठीक करके और आगे आने वाले जितने भी टॉस हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करें। दैट्स वॉट वी होप एंड या दैट्स इट, टेक केयर, ध्यान रखें आप सब अपना और सब्सक्राइब बटन दबाएँ और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बिकॉज दैट हेल्प्स मी अ लॉट।